नमस्कार, मैं हूं अनुष्का, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब नेशनल बैंक ने प्रबंधक सुरक्षा पद के लिए निकाली रिक्त दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने प्रबंधक सुरक्षा पद के लिए 100 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक और प्रासंगिक कार्य अनुभव का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 13 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पटना, गया सहित 28 जिले 31 जनवरी तक रहेंगे सीवियर कोल्ड डे की चपेट में। राजधानी पटना सहित बिहार के 28 जिलों में मौसम विभाग ने अगले दो दिन ठंड की स्थिति गंभीर होने की बात कही है। विभाग के अनुसार आने वाले 10 फरवरी तक मौसम सर्द बना रहेगा। घने कोहरे के साथ ही तेज हवाएं बहने से कपकपी का एहसास होगा। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से 14 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से गया, सासाराम, नवादा सहित बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है। इस कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन की शुरुआत ठंडी हवा और घने कोहरे के साथ हुई। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का चेन्नई में हुआ सम्मान। मशहूर गणितज्ञ और पटना में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार बीते दिन तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के हाथों सम्मानित हुए। चेन्नई में एक समारोह में उन्हें प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार को पुरस्कार के रूप में 10 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया। आनंद कुमार ने इस मौके पर कहा कि यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। यह सम्मान मुझे समाज के वंचित वर्ग के छात्रों के लिए अधिक शक्ति के साथ काम करने के लिए प्रेरणा देंगे। आपको बता दें कि आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अमेरिका में भी सम्मानित किया गया है। साथ ही वर्ष 2010 में उन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार मिला था। जल्द ही बिहार में बदलेगा एक दर्जन शहरों का ढांचा। बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अब दूसरी श्रेणी में आने वाले शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान के प्रारूप को विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित कर 22 फरवरी तक इस संबंध में लोगों से सुझाव या आपत्ति मांगी गई है, जिसके बाद प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा और आगे का काम शुरू किया जाएगा। मास्टर प्लान के अनुसार अब शहर का कुल क्षेत्रफल 417.37 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। मास्टर प्लान में पूरे शहर को ब्लॉक वाइज बांटा जाएगा। आपको बता दें कि शहरों को सुव्यवस्थित करने के लिए 20 वर्षों के अनुसार मास्टर प्लान को तैयार किया जाएगा। पहले फेज में छपरा, आरा, दरभंगा, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, मोतिहारी और सासाराम जैसे शहर होंगे। मार्च महीने तक मास्टर प्लान का खाका तैयार हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा खोले जाने की अफवाह से जुटी बॉर्डर पर भीड़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विगत 10 महीने से भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील की गई है, लेकिन शुक्रवार को एक चिट्ठी के वायरल होने से वाल्मीकि नगर स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल अफवाह थी कि नेपाल बॉर्डर खुल गया है, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीण गंडक बराज पर जमा हो गए। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर को अभी नहीं खोला गया है। इस सूचना की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लॉकडाउन से ही सीमा के सील हो जाने के कारण दोनों देशों के व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीमा के आर पार बसे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राजस्व अधिकारी जारी करेंगे जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र। बिहार में अब जाति, आय, निवास सहित अन्य प्रमाण पत्रों को राजस्व के अधिकारी जारी करेंगे। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों को ब्लॉक के अधिकारी जारी करते थे। प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को और भी सुलभ बनाने के लिए राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 8 दिसंबर को ही इस बाबत निर्देश दिया था, जिसके लिए विभाग ने अब जाकर आदेश जारी किया है। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को होगी समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग ने हर माह के अंतिम शुक्रवार को समीक्षात्मक बैठक करने का आदेश जारी किया है। विभाग का निर्देश है कि नई शिक्षा नीति 2020 को जल्द से जल्द बिहार में लागू की जाए। इसके लिए अलग अलग 6 कमेटियों की बैठक विभाग के संयोजक करेंगे। NEP जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने कई चरण बनाए हैं और सभी के लिए अलग अलग समय सीमा भी तय की गई है। बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय ने आपसी समन्वय बनाकर काम करने और इससे जुड़े अपडेट्स को समय पर गूगल ट्रैकर पर अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। 9 सहकारी बैंकों का प्रबंधन जा सकता है सरकार के हाथ में। बिहार के 9 सहकारी बैंकों को सुपरसीड किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, मधुबनी, औरंगाबाद
सासाराम, पूर्वी चंपारण और गया जिलों के सहकारी बैंकों की स्थिति में अपेक्षा के अनुकूल सुधार नहीं देखा जा रहा है। ये बैंक नाबार्ड और बोर्ड के निर्देश के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, लिहाजा इनका कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो 9 से नीचे चला गया है। साथ ही इन बैंकों का एनपीए 20% तक चला गया है। रिजर्व बैंक ने इन्हें स्थिति में सुधार का एक मौका दिया था, लेकिन अब बैंक ने इनकी समीक्षा कर रिपोर्ट की मांग की है। होमगार्ड के जवान पहनेंगे मोंटे कार्लो की वर्दी। राज्य के 56,000 होमगार्ड जवानों के लिए अब नई वर्दी लाई जा रही है। जवानों को मोंटे कार्लो की वर्दी दी जाएगी। होमगार्ड जवानों के ड्रेस में एक समानता लाने के लिए होमगार्ड स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। वर्दी के लिए बल्क में मोंटे कार्लो कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जवानों को 2 वर्ष में ड्रेस भत्ता के लिए 10,000 की राशि मिलती है। इसमें से इन्हें एक नई वर्दी के लिए 1,500 रुपये खर्च करने होंगे। प्रवासी युवाओं को जल्द मिलेगा योग्यता के अनुरूप रोजगार। बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने टू कॉम एजेंसी के साथ एक करार किया है। इस करारनामे के तहत एजेंसी इच्छुक श्रमिक और युवा के रजिस्ट्रेशन के बाद इनकी इच्छा और योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार देंगी। एजेंसी द्वारा रोजगार दिलाए जाने की सारी प्रक्रिया मुफ्त होंगी। इससे जुड़ी सभी जानकारी श्रम विभाग के पास भेजी जाएंगी। इसके साथ ही श्रम विभाग दूसरे राज्यों में काम करने वाले युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही लीज, मोसाई व लॉग स्कीम एजेंसियों के साथ भी समझौता करेगा। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सीएम नीतीश ने किया व्यंग। तेजस्वी यादव द्वारा आहूत आज के ह्यूमन चेन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने व्यंग्यात्मक तंज कसा है। गांधी घाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कम से कम ये लोग मानव श्रृंखला के महत्व को तो समझने लगे हैं। सबसे पहले हमने मानव श्रृंखला की शुरुआत की थी। हमारी पार्टी द्वारा शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर ह्यूमन चेन बनाई गई थी। मानव श्रृंखला बनाने का अधिकार सभी को है, लेकिन महागठबंधन द्वारा हिंसा के आरोपी और उपद्रवियों के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गिरेंद्र शेखर बोस की। गिरेंद्र शेखर बोस का जन्म आज ही के दिन दरभंगा जिले में हुआ था। गिरेंद्र शेखर बोस 20वीं सदी के दक्षिण एशियाई मनोविश्लेषक थे, जो भारतीय मनोविश्लेषणवादी समाज के पहले अध्यक्ष थे। बोस ने सिगमंड फ्रायड के साथ 20 साल की बातचीत को अंजाम दिया था। फ्रायड के ओडिपल सिद्धांत की बारीकियों को विवादित करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें कुछ लोगों द्वारा पश्चिमी पद्धति के गैर पश्चिमी प्रतियोगिताओं के शुरुआती उदाहरण के रूप में भी इंगित किया गया है। तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ बिहार नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट के जरिए गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा, राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ जिन लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिल्ली को 2 महीने तक घेरे रखा, लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाई और राष्ट्रीय पर्व के दिन हिंसा तोड़फोड़ करते हुए तिरंगे का अपमान किया, उन लोगों के साथ बिहारवासी कभी नहीं है। देश भर में लोग आक्रोशित है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाने वाले कांग्रेस, राजद और वामदल पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। 87 साल में पहली बार नहीं होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन। राज्य संघों की तरफ से मिले फीडबैक और कोरोना के कारण क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है। इसके साथ ही अब यह तय किया गया है कि 87 साल में पहली बार फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। 50 ओवर की विजय हजारे ट्रॉफी और भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के आयोजन के साथ ही अब बीसीसीआई महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी और अंडर-19 क्रिकेट में वीनू मांकड वनडे ट्रॉफी का आयोजन भी कराएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस बात का फैसला सुनाया है। वीकेंड के वार में अभिनव का फूटा गुस्सा। आज वीकेंड के वार एपिसोड में घर वाले सलमान खान के साथ रूबरू होने वाले हैं। वहीं आज दिखाए जाने वाले इस एपिसोड में अभिनव शुक्ला और सलमान खान के बीच तीखी बहस देखने को मिलने वाली है, जिसके तहत आज के इस एपिसोड में सलमान खान रुवीना से पूछते हैं कि राखी सावंत के कारण घर में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, जिस पर कई घर वाले कहते हैं। इस पर ही सलमान के साथ अभिनव की बहस शुरू हो जाती है और अभिनव गुस्से में शो छोड़ने की बात तक कह देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार राजद की तरफ से कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला बनाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। नमस्कार।